हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन में जाके क्लिक कर दें, जिससे कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल की नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज का हमारा टॉपिक है यूसेस ऑफ व्हाट्सएप। सबसे पहले हम आपको बताएंगे व्हाट्सएप में अकाउंट कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम गूगल प्ले स्टोर से व्हाट्सएप को इंस्टॉल करते हैं, पहले डाउनलोड करते हैं, फिर इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद हमारी ये विंडो खुल जाती है। खुलने के बाद जो है, हम अपने नंबर को, हम अकाउंट में जाते हैं। अकाउंट में जाने के बाद हम अपने नंबर को टाइप करते हैं, मतलब जो हमारा मोबाइल का, जो हमारे मोबाइल का नंबर होता है, जो हमारा पर्सनल नंबर होता है, उसको हम टाइप करते हैं। उसमें क्या होता है कि वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन क्या होता है, एक हमारे मोबाइल में मैसेज के तौर पे OTP आती है, जिसे कहते हैं वन टाइम पासवर्ड। जैसे वन टाइम पासवर्ड आता है, वो हमारे व्हाट्सएप के में ऑटोमेटिक उसको व्हाट्सएप ले लेता है, और फिर उसके बाद टू स्टेप वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। टू स्टेप वेरिफिकेशन में क्या होता है कि जो OTP होती है, वो OTP के द्वारा हमारा वो अकाउंट जनरेट होने लगता है और उसमें वेरीफाई होने लगता है। और उसके बाद जैसे हम नेक्स्ट करते हैं, तो हमारे पास कई विंडो खुल के आती है, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, टू स्टेप वेरिफिकेशन, चेंज नंबर, डिलीट माई अकाउंट, शेयर माई अकाउंट। अब इसमें क्या है कि हमारे पास जब टू स्टेप वेरिफिकेशन होता है, तो हम अपना पासवर्ड उसमें लगा सकते हैं। व्हाट्सएप में हम अपना पासवर्ड भी लगा सकते हैं, ईमेल एड्रेस को भी डाल सकते हैं, उसको इनेबल, हम अपनी सिक्योरिटी को भी इनेबल कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं व्हाट्सएप बैटरी कितनी लेता है। देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारे, हम अपने मोबाइल बहुत सारे एप्लीकेशंस को इंस्टॉल रखते हैं डाउनलोड करने के बाद, जैसे कि यूट्यूब हो गया, ऐप स्टोर हो गया, हम व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, सफारी हो गया। तो हम आपको बताते हैं, व्हाट्सएप जो होता है, जनरली हमारी मोबाइल का 10% बैटरी को लेता है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि व्हाट्सएप में हम अपने स्टेटस को भी लगा सकते हैं, मतलब जो हम चाहते हैं। मान लीजिए हमने कोई फ़ोटो, हमने मतलब कहीं घूमने गए और हमने ग्रुप के साथ कोई फोटोग्राफ को क्लिक किया और उसको हमने चाहते लोगों के साथ शेयर कर ले एक साथ, तो हम, तो हमने क्या किया, माई स्टेटस में गए और जा कर के उस फ़ोटो को इम्प्लीमेंट कर दिया या लगा दिया। तो वो स्टेटस में जो हमारे कॉन्टैक्ट्स होंगे, और उनके कॉन्टैक्ट सेम होंगे, उन सबके पास वो स्टेटस में वो हमारी फ़ोटोग्राफ सो होने लगेगी। इसके अलावा हम अपनी स्टेटस में अपने जो हम आजकल रोज़ाना कर रहे हैं उसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे कि हम आजकल जॉब कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं आई एम बिजी इन जॉब या आर एट वर्क। अगर हमारे कोई, अगर हम बहुत खुश हैं तो लिख सकते हैं फीलिंग हैप्पी। अगर हम किसी के कारण खुश हैं तो फीलिंग हैप्पी विद, मतलब, या बाई, मतलब लिख सकते हैं। अगर हम बहुत बिजी हैं तो हम आई एम इन मीटिंग में डाल सकते हैं, या आई एम सो मच बिजी। मतलब हम अपने बारे में लिख सकते हैं, हम आजकल, मतलब हमारी लाइफ में कैसा क्या है, तो हम उसके बारे में लिख सकते हैं और स्टेटस में भी डाल सकते हैं। अच्छा, हमने आपको बताया जो हमारे अपडेट्स होते हैं, हम अपने अपडेट्स को भी डाल सकते हैं स्टेटस के तौर पे। जो हमारे अपडेट्स होते हैं, स्टेटस के बारे में, मतलब हम दिखाना चाहते हैं लोगों को कि हमारी करंट कंडीशन या करंट पोजीशन क्या है, मतलब हम कहाँ पे गए, क्या कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम शो कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपनी किसी मैसेज को भी स्टेटस में कन्वे कर सकते हैं, जो हम लोगों को दिखाना चाहते हैं। लोगों को कुछ मोटिवेशनल मैसेज है तो उसको दिखा के जागरूक करना चाहते हैं, तो उसको भी स्टेटस में डाल सकते हैं। ये इस प्रकार से हमारा स्टेटस शो होता है स्टेटस डालने के बाद। इसके बाद हमारा आता है कि हमने सेटिंग्स, अब हम आपको बताएंगे सेटिंग्स और चैट्स के विषय में। सेटिंग्स में हमारा आता है अकाउंट, चैट्स, नोटिफिकेशंस, डेटा एंड स्टोरेज हेल्प। अकाउंट, अकाउंट में हमारा क्या होता है, हमारी प्राइवेसी लगी होती है, उसमें हमारी सिक्योरिटी होती है, हम उसमें चाहें तो नंबर को जाके चेंज कर सकते हैं या हम किसी को भी ब्लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा चैट्स में क्या होता है कि हम हमारा फॉन्ट साइज कैसा है, हमारा फॉन्ट कलर कैसा है, हमने बैकग्राउंड में वॉलपेपर कैसा लगा रखा है, हम अपने चैट का बैकअप भी ले सकते हैं, तो ये हमारा चैट के अंदर आता है। अकाउंट में क्या होता है कि अकाउंट में हमारे पास सारा एडमिन का एक्सेस होता है। इसके बाद हम आपको बताते हैं जो हमारे मैसेजेस कॉन्टैक्ट्स होते हैं। अब देखिए, हमने मान लीजिए 3 महीने से रेगुलर व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास फ़ोटोज़ हम भेजते भी हैं और फ़ोटोज़ हमारे पास आती भी हैं। कुछ एनिमेशन वाली ग्राफिक्स भी आती है जिसका फॉर्मेट GIF होता है। हम वीडियोस को भी सेंड करते हैं और वीडियोस हमारे पास आते भी हैं। तो
ये दिखाता है कि WhatsApp में हमारे पास टोटल कितनी फ़ोटोज़ हैं MB की, ये साइज़ बताता है, मतलब ये हमारी फ़ोटोज़ की साइज़ बताता है, GIF की कितनी साइज़ है, वीडियोज़ की कितनी साइज़ है, ऑडियो मैसेज जो क्लिक करके भेजे गए उनकी साइज़ कितनी है, और डॉक्यूमेंट्स की कितनी साइज़ है, मतलब डॉक्यूमेंट्स जैसे कि PDF हो गया, वर्ड हो गया, ये हमारे डॉक्यूमेंट्स में आते हैं, तो उनकी कितनी साइज़ है, तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास टोटल डाटा कितना है और टोटल की साइज़ कितना और किस पार्टीशन में कितना साइज़ है। इसके अलावा हमारे अकाउंट में, ठीक है, सिक्योरिटी 2-स्टेप वेरिफिकेशन, ये हमने आपको पहले भी बताया था, अगर हम चाहें अकाउंट को डिलीट करना तो अकाउंट में जा करके लास्ट में एक ऑप्शन आता है डिलीट माई अकाउंट, तो वहाँ पर हम अपने अकाउंट को डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमने जो हमारे क्या अपडेट्स आते हैं WhatsApp में, हम प्ले स्टोर जो होता है वो गूगल प्ले स्टोर, वो हमें हमेशा अपडेट देता रहता है, हर मंथ हमारे पास अपडेट आता है। तो अपडेट में क्या होता है, जैसे कि हम बिफोर काम दिखा रहे हैं, जैसे लिखा है सेटिंग्स के अंदर अकाउंट, चैट्स, नोटिफिकेशंस, पेमेंट्स, डाटा एंड स्टोरेज यूसेज, इनवाइट ऑफ फ्रेंड, हेल्प। अब क्या है कि हमने पहले, अब जैसे हमने उसको अपडेट किया तो आफ्टर वाली विंडो क्या आ गया, अकाउंट। अब अकाउंट के अंदर क्या क्या है, तो प्राइवेसी, सिक्योरिटी, चेंज नंबर, ये हमें दिखने लगा। चैट्स के अंदर क्या है, बैकअप, हिस्ट्री, वॉलपेपर, चैट्स के अंदर। नोटिफिकेशन के अंदर क्या है, मैसेज, ग्रुप, ठीक है। पेमेंट्स के अंदर क्या है, हिस्ट्री, बैंक अकाउंट्स। डाटा एंड स्टोरेज यूसेज के अंदर क्या है, नेटवर्क यूसेज, ऑटो डाउनलोड। हेल्प के अंदर क्या है, FAQ मतलब फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, इनवाइट अ फ्रेंड। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा अपडेट आता है, जो गूगल की तरफ से अपडेट आता है, प्ले स्टोर की तरफ से अपडेट आता है, तो यहाँ पे व्हाट्सएप के अंदर मतलब जो वर्किंग इंजीनियर्स होते हैं, जो उसको अपडेट करके नेट के थ्रू हमें भेजते हैं, तो अपडेट करते हैं, तो हमारा सॉफ्टवेयर जो है उससे अपडेट हो जाता है, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा व्हाट्सएप के फीचर्स को समझने में बहुत ही आसानी हो जाती है। अच्छा, हमें अपने बारे में जैसे आपको बताना है कि मेरा नाम क्या है, तो हमने अपना नाम जब अकाउंट बनाते हैं तो हम अपना नाम डालते हैं, ठीक है, और अपनी इमेज भी डालते हैं। बहुत से लोग जो ज़्यादातर गर्ल्स क्या होती हैं, अपनी इमेज नहीं डालती हैं, वो माता जी की वॉलपेपर डाल देती हैं, और मतलब जो लोग अपनी आइडेंटिटी को छुपाते हैं वो यहाँ पे अपने प्लेस में किसी और की भी फ़ोटो को डाल सकते हैं। बॉयज़ होते हैं, बॉयज़ ज़्यादातर अपनी फ़ोटो शो कर देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, इसके बाद आता है स्टेटस, लाइव लोकेशन। लाइव लोकेशन हमारा गूगल मैप्स के द्वारा ये उठाता है, मतलब हम अगर अपनी लोकेशन देना चाहें तो लाइव लोकेशन भी दे सकते हैं। ब्लॉक्ड कंटेंट्स, यदि हम किसी व्यक्ति को के मैसेज को नहीं देखना चाहते, नहीं पढ़ना चाहते, उससे कॉन्टैक्ट नहीं रखना चाहते हैं, हम अगर कोई हमें परेशान कर रहा है तो हम उसको, उसके नंबर को ब्लॉक भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं, और हम अगर चाहें तो उसको जो है ब्लॉक लिस्ट में उसका नाम डाल करके उसका नंबर को सेव कर देंगे, जिससे कि वो हमें दोबारा कभी मैसेज नहीं करेगा, हमारी फ़ोटोग्राफ भी उसको दिखना बंद हो जाएगी, हमारा स्टेटस भी उस तक नहीं पहुँचेगा। अच्छा, ऑथेंटिकेशन में हम अपने फिंगरप्रिंट भी दे सकते हैं व्हाट्सएप में हम इस प्रकार से चैट करते हैं, हम लिखते हैं, अगर हमारे जिस दिन का मैसेज होता है उसकी डेट, अगर आज का ही मैसेज है तो टुडे, अगर पहले आज से पहले का मैसेज है दिन का तो यस्टरडे, और तो इस प्रकार से हमारी चैट शो होती है। इसमें अब हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे कि हमारी रिकमेंडेशंस होती हैं ऐप्स और गेम्स की, तो अब इसमें हम दिखा रहे हैं कि हमारी बैटरी सबसे ज़्यादा कौन लेता है, हमारी गूगल क्रोम सबसे ज़्यादा बैटरी लेता है, उससे कम व्हाट्सएप, उससे कम यूट्यूब, बाकी और भी बैटरी लेते हैं, लेकिन ये तीनों एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा बैटरी को लेते हैं। इसके बाद आता है हमारा पावर मोड, हमारा जो मोबाइल है वो कितनी पावर को कंजम्पशन कर रहा है, हमारे जो सॉफ्टवेयर, हम जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो बैकग्राउंड में भी वर्क करते हैं। अब जैसे हमारी जो लास्ट 24 आवर्स में हमने देखा 7 दिनों में, वो WhatsApp बैकग्राउंड एक्टिविटी 42% हुई, मतलब काफ़ी लोगों ने हमें मैसेज भेजे, हमें चैट पे मैसेज भेजे, हमें वीडियोस भेजे, हमें ऑडियोस भेजे, तो मतलब एक्टिविटी वो WhatsApp में सबसे ज़्यादा हुई, सफारी में उससे कम, ट्विटर में उससे कम, और होम एंड लॉक स्क्रीन में उससे भी कम। तो हम आपको बताते हैं, जो हमारी ये विंडो आपको दिख रही है इसमें WhatsApp जो स्टोरेज ले रहा है वो 52.2% ले रहा है, ये हार्डवेयर स्टोरेज हम की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम 8% ले रहा है, गूगल 7.8, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी स्टोरेज सिस्टम भी ये कंज्यूम करता है।
ठीक है। अब इस प्रकार से हम अपने मैसेज को, स्टेटस को सेट करते हैं। यहाँ पे जो आपको एरो का, जो हम पेंसिल का निशान दिख रहा है, उसमें क्लिक करते हैं और अपने मैसेज को या अपने स्टेटस को टाइप करते हैं और ओके का बटन दबा के सबमिट कर देते हैं, तो वो हमारा करंट स्टेटस बन जाता है। अब व्हाट्सएप का एक एडवांस्ड वर्जन भी है, व्हाट्सएप प्लस। जो लोग मतलब किन लोग, कुछ कुछ लोगों के पास पर्सनल नंबर अलग होता है, ऑफिशियल नंबर अलग होता है, तो जो लोग अपने ऑफिशियल नंबर के कॉन्टैक्ट से जुड़े रहना चाहते हैं, अपने पर्सनल नंबर नहीं शेयर करना चाहते हैं, तो वो लोग व्हाट्सएप प्लस का भी यूज़ करते हैं, जिससे कि एक ही मोबाइल में दो अकाउंट के व्हाट्सएप लिंक हो जाते हैं। थैंक यू गाइस, मुझे लगता है कि आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। मैंने आपको बताया कैसे व्हाट्सएप को इंस्टॉल किया जाता है, इंस्टॉल करने के बाद कैसे उसमें अकाउंट बना करके उसको एक्सेस किया जाता है, कैसे स्टेटस डाला जाता है, कैसे स्टेटस बनाया जाता है, और मैंने आपको ये भी बताया कि व्हाट्सएप की यूज़ेस क्या क्या हैं। और आशा है कि आज आपको वीडियो बहुत पसंद आई हो। थैंक यू सो मच, ऐसे ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा।